साथियों गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी बजट का बहुत बड़ा खर्चा सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था बीते दो दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था आज जब हम सरदार सरोवर को देखते हैं नर्दाजी के जल को गुजरात के सुखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं वाटर ग्रिड्स को देखते हैं तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है गुजरात के करीब 80 प्रतिशत घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है तो सभी को अपना एक प्राण एक मंत्र फिर दोहराना है ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है वरना ऐसा ना हो कि चलो भाई बिजली आई है पानी बह रहा है हम आराम से बैठे हैं फिर तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा पानी खत्म हो जाएगा जिंदगी मुश्किल हो जाएगी दिन में बिजली मिलने की वजह से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्थाएं करना आसान होगा गुजरात ने माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर हो किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी